नमस्कार, मैं कशिश, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल। हस्तरेखा शास्त्र में केवल रेखाएं ही नहीं बल्कि हथेली पर बनने वाले निशान, आकृतियां और तिल आदि के जरिए भी भविष्य जानने के तरीके बताए गए हैं। ये निशान, आकृतियां, मिलने वाले पैसे, सुख समृद्धि, सेहत, समस्याओं जैसे तमाम पहलुओं के बारे में बताती है। यदि ये निशान या आकृतियाँ मणिबंध रेखा पर हो तो ये और भी खास होते हैं। आज हम मणिबंध रेखा पर बनने वाले ऐसे खास निशानों के बारे में जानते हैं जो कई तरह से शुभ अशुभ संकेत देते हैं। यदि मणिबंध स्थान की पहली रेखा पर जंजीर जैसी आकृति बने हो तो ऐसे जातकों को अपनी रेखा पहले पड़ाव में बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं। 30 से 32 साल की उम्र तक वे शारीरिक और मानसिक समस्याओं से जूझते रहते हैं। यदि मणिबंध रेखा पर पर्वत का चिन्ह बने तो ऐसे लोगों में ऊर्जा और योग्यता तो होती है, लेकिन वे उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाते। जिन जातकों के हाथ में मणिबंध स्थान पर 3 रेखाएं हो और पहली रेखा पर पर्वत की आकृति हो, वही बाकी 2 रेखाएं स्पष्ट और गहरी हो तो जातक में समझबूझ का भाव नहीं रहता है। ऐसे लोग बड़ी से बड़ी समस्या आसानी से सुलझा लेते हैं और पूरी जिंदगी आराम से जीते हैं। यदि मणिबंध स्थान की पहली रेखा पर ही सितारे या स्टार का निशान हो तो ऐसे जातक बेहद सौभाग्यशाली होते हैं, उसे अचानक कहीं से बेशुमार धन दौलत मिलती है। वहीं मणिबंध रेखा पर क्रॉस का एक निशान है तो जातक को जिंदगी के शुरुआती सालों में सेहत संबंधी समस्या झेलनी पड़ती है जो कि बाद में ठीक हो जाती है। वहीं एक से ज़्यादा क्रॉस के निशान उसे पूरी जिंदगी बीमारियों से ग्रस्त रखते हैं। इस जानकारी पर आपका क्या कहना है कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।